Assalamu alaikum class 6. I am going to start new countdown second edition. Class 6, this is your lesson number 6. Our topic is introduction to algebra. Kindly open page number 119 of your book. You have definition, sentence and statements. A sentence is a set of words or symbols that conveys some meaning. Sentence ये होता है words or symbols. वो words और set होता है वो words और symbols का जो convey करे कुछ meaning. For example, the earth moves round the sun. Go on. Why are you so glad? Give me a pen. A liquid flows from a lower level to a higher level. 4 is less than 6. 2 and 2 make 4. 6 is greater than 8. Out of the above 8 sentences, या आपके पास जो 8 sentences given हैं, इसमें से 1, 6 and 7 are true. Number 1, the earth moves round the sun. Number 6, 4 is less than 6 and number 7, 2 and 2 makes 4. आपके पास true sentences हैं. Sentence number 5, a liquid flows from lower level to a higher level. Number 8, 6 is greater than 8. ये दोनों sentences आपके पास 5 और 8 false हैं. A sentence that is either true or false is known as a statement. ऐसा sentence जो true हो या false हो statement कहलाता है. In an open statement, it is not immediately known whether the statement is true or false because not all the information is available. Open statement में क्या होता है कि statement का आपको पता नहीं चलता है कि true है या false है क्योंकि सारी information आपके पास available नहीं होती. जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है example में 3 plus आपको यहाँ पे एक box दे दिया equal to 7. अब आपको पता नहीं है यहाँ पे क्या number आएगा, तो ये क्या है, एक open statement है. क्लास 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले हमें तीन बेसिक चीजों को समझना बहुत जरूरी है. नंबर 1, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट. वेरिएबल, अ वेरिएबल इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट क्वांटिटी द वैल्यू ऑफ व्हिच इज नॉट नोन. वेरिएबल वो चीज है, वो होती हमारे पास जो अननोन है, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक या एक से ज्यादा. जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास है 7 प्लस एक्स इक्वल टू 12. तो ये एक्स क्या है हमारे पास, अननोन है. ठीक है, ये अननोन वैल्यू है हमारे पास एक्स जो है, तो ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल है. इन द अबव स्टेटमेंट द नंबर्स 7, 12, 4, 6 and 5 have a known and fixed value. अब देखें, इसी example में हमारे पास 7, 12, 4, 6, minus 4 और 5. ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास constant है. ठीक है? क्योंकि ये क्या है? Fixed value है हमारे पास. इसकी definition देखें. A term that has a fixed value and appears separately from a variable is called a constant. जैसे कि आपने example में अभी देखा कि वो क्या है, fixed value है जो variable से हट के appear हो रही है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, constant कहलाता है. इसी तरह coefficient, the symbol or number appearing before the variable used in algebraic term is called its coefficient. The symbol or number
पेयरिंग बिफोर अ वेरिएबल, वेरिएबल से पहले जो सिंबल आपके पास या नंबर अपेयर होता है अल्जेब्रिक टर्म में, वो क्या कहलाता है? कोफिशियंट कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देखें, टू एक्स वाई, एक्स वाई से पहले क्या अपेयर हो रहा है? टू। तो ये आपके पास टू क्या है? कोफिशियंट है किसका? एक्स वाई का। इसी तरह इन माइनस सेवन ए बी सी, माइनस सेवन इज द कोफिशियंट ऑफ ए बी सी, तो माइनस सेवन क्या है? कोफिशियंट है किसका? ए बी सी का। नाउ क्लास सिक्स ऑन पेज नंबर 122 यू हैव एक्सरसाइज नंबर 8A, क्वेश्चन नंबर 1, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स और ओपन। यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज इन योर टेक्स्ट बुक। नंबर 1, 0 इज अ होल नंबर। 0 आपके पास होल नंबर है। इट इज ट्रू और फॉल्स? यस इट इज ट्रू। 5 + 9 = 18 - 5। अगर आप 5 में 9 को ऐड करें आपके पास 14 आएगा, और 18 में से माइनस करें 5 तो आपके पास 13 आएगा। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो रही है? नहीं हो रही, तो इट मीन्स इट इज फॉल्स। 3, 2 इज ओनली इवन प्राइम। 2 आपके पास सिर्फ क्या है? इवन प्राइम नंबर है, तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। 17 इज अ नेचुरल नंबर। 17 नेचुरल नंबर है? यस ट्रू। 17 मल्टीप्लाई बाय, आपको अब यहां पे सिंबल दे दिया है, इक्वल टू 21 व्हेन ट्राइंगल इक्वल टू 4, यानी कि ये सिंबल जो है रिप्लेस हो रहा है किससे? 4 से। अगर हम 7 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो हमारे पास 21 आएगा? नहीं, हमारे पास 28 आएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? फॉल्स। नंबर 6, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 45। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें वी गेट 20। 20 इक्वल है 45 के? नो, इट मीन्स इट इज फॉल्स। 7, 5x प्लस 5 इक्वल टू 10 देन x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है? 1 दी हुई है। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करें, 5 वन जा 5, 5 प्लस 5 वी गेट 10, तो इट मीन्स इट इज ट्रू। नाउ 8, 12 प्लस 3 वी गेट 15, 3 प्लस 12 वी गेट 15, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, इट मीन्स इट इज ट्रू। नंबर 9, 0.5 इक्वल टू 1 अपॉन 5, 0.5 1 अपॉन 5 के इक्वल होता है? नहीं, इट मीन्स इट इज फॉल्स। नाउ क्लास 6, कॉपी क्वेश्चन नंबर 2, रिप्लेस द लेटर्स बाय न्यूमेरल टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू ऑन पेज नंबर 122 इन योर नोटबुक। पार्ट 1, एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9। नाउ यू हैव एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9, यू हैव टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। आपने क्या करना है इसे? एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9, आपके पास ये यहाँ प्लस हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, जब आप राइट हैंड साइड पे इसे मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एक्स इज इक्वल्स टू 9 - 2, एक्स इज इक्वल्स टू 7। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, वेरिफिकेशन कर लेते हैं इसकी। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9। नाउ यू हैव वैल्यू ऑफ x 7, सो पुट हेयर 7 प्लस 2 इक्वल्स टू 9, 7 प्लस 2 इक्वल्स टू 9, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये क्या हो गया स्टेटमेंट आपका? ट्रू। नाउ यू हैव पार्ट 2, 7 माइनस p इज इक्वल्स टू 2। आपने क्या किया? 2 को यहां ले आए, 7 हो गया आपके पास, 7 माइनस 2, आपने 2 को यहां ले लिया और इस p को वहां भेज दें,
प्लस का पी माइनस का पी था, प्लस का पी हो गया, सेवन में से माइनस किया टू को, यू गेट फाइव। पी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, फाइव आ गई। वेरीफाई कर लें इसे, आपके पास है सेवन माइनस पी इक्वल्स टू टू, सेवन पी की वैल्यू आपके पास आई है फाइव, टू सेवन माइनस फाइव क्या टू, टू इक्वल्स टू टू, इसका मतलब है स्टेटमेंट क्या हो गया आपके पास टू। नाउ क्लास पार्ट थ्री, थ्री वाई इक्वल्स टू फिफ्टीन, यहाँ थ्री वाई के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। सो थ्री वाई टू फिफ्टीन, आपने वाई इंच रहने दिया, 15 को डिवाइड करा दिया 3 से, 3 वन जा 3, 3 फाइव जा 15, आपके पास वाई की वैल्यू आ गई 5। वेरिफिकेशन, थ्री वाई इजिकल्स टू 15, वाई आपके पास क्या आया है, 5 आया है, वाई की वैल्यू 5 आई है, 15, 3 फाइव जा 15, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के, इट मीन्स स्टेटमेंट हमारे पास टू है। नाउ क्लास पार्ट फोर, 45 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल्स टू 5, आपने क्या किया, 45 को यहीं रहने दिया, ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स को आपने वहां भेज दिया राइट साइड पे, तो आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 5 मल्टीप्लाई हो गया एक्स से, नाउ यू हैव 45 5x। अब ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इस x से, जब हम इसे मूव करेंगे लेफ्ट पे तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, डिवाइड में, 45 को डिवाइड करा दिया 5 से, यहाँ आपके पास हो गया x, 5 वन जा 5, 5 नाइन जा 45, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 9। अब आप इसे वेरीफाई कर लें, वेरिफिकेशन इसकी, 45 डिवाइडेड बाय x प्लस टू 5, 45 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू आपके पास 9 आई है, 5, 45 को डिवाइड किया 9 से, 5 आया आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई किसके, राइट हैंड साइड के, ट्रू। नाउ क्लास 6, वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, कॉपी क्वेश्चन नंबर 3 इन योर नोटबुक, राइट द फॉलोइंग एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पार्ट 1, द सम ऑफ पी एंड क्यू। पार्ट 1, द सम ऑफ पी एंड क्यू, आपके पास आपको लिखना है इसमें सम ऑफ पी एंड क्यू, तो आप क्या लिखेंगे, पी प्लस क्यू। नाउ पार्ट 2, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस सब्ट्रैक्शन, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए क्या है, बड़ा है किससे, बी से। नाउ पार्ट 3, टू थर्ड ऑफ एक्स एडेड टू टू वाई, टू थर्ड ऑफ एक्स, टू थर्ड ऑफ एक्स एडिड टू टू वाई, टू थर्ड ऑफ एक्स एडिड टू टू वाई। नाउ 4, द प्रोडक्ट ऑफ एम एंड एन, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है, द प्रोडक्ट ऑफ एम एंड एन एडिड टू देयर सम, m and n, m n. Now 5, the difference of 2p and 3q when 2p is less than 3q. The difference of किसका निकालना है, the difference of 2p and 3q when 2p is less than, यानी कि 2p कम है किससे, 3q से, तो 3q आपके पास आएगी क्या, 3q माइनस 2p। नाउ
पार्ट सिक्स, थ्री टाइम्स ए एडिड टू फोर टाइम्स बी, थ्री टाइम्स ए, थ्री टाइम्स ए एडिड टू फोर टाइम्स बी. द सम ऑफ एम एंड द क्वेश्चन ऑफ एन डिवाइडेड बाय टू. द सम ऑफ एम एंड द क्वेश्चन ऑफ एन डिवाइडेड बाय टू. द क्वेश्चन ऑफ ए एंड बी व्हेन ए इज डिवाइडेड बाय बी एडेड टू देयर प्रोडक्ट. द क्वेश्चन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी व्हेन ए इज डिवाइडेड बाय बी एडेड टू देयर प्रोडक्ट, ए ओवर बी प्लस ए बी. नंबर नाइन, वन थर्ड ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन y. वन थर्ड ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ x एंड y व्हेन x इज ग्रेटर देन y. वन थर्ड ऑफ x लिख लिया है आपने, x ओवर 3 डिफरेंस ऑफ x एंड y, x माइनस y. नंबर 10, थ्री फोर्थ ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ 2p एंड 5q व्हेन 2p इज लेस देन 5q. थ्री फोर्थ ऑफ x मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंस ऑफ 2p एंड 5q, 2p एंड 5q व्हेन 2p इज लेस देन 5q, 5q माइनस 2p. Now class 6, on page number 123 you have question number 4. Write down separately the terms of the following algebraic expression. Part 1, a plus b minus 2c. आपने इसमें क्या करना है, इसमें positive sign हटा के आपने इसमें comma लगाना है. इन algebraic expression को change करना है terms में. तो आप क्या करेंगे, a comma b कॉमा माइनस टू सी. नेगेटिव साइन आप चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ जहां पॉजिटिव साइन है आपके पास वहां आपने कॉमा लगाना है. ए कॉमा बी कॉमा माइनस टू सी. इसी तरह पार्ट टू में माइनस टू एक्स वाई जेड कॉमा माइनस थ्री एक्स वाई कॉमा जेड. पार्ट थ्री में ए बी सी कॉमा टू एफ जी एच कॉमा माइनस ए एफ स्क्वायर कॉमा माइनस बी जी स्क्वायर कॉमा माइनस सी एच स्क्वायर. आपने अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 4 को इस तरीके से सॉल्व करना है, ए कॉमा बी कॉमा माइनस टू सी माइनस टू एक्स वाई जेड कॉमा माइनस थ्री एक्स वाई कॉमा जेड, ए बी सी कॉमा टू एफ जी एच कॉमा माइनस ए एफ स्क्वायर कॉमा माइनस बी जी स्क्वायर कॉमा माइनस सी एच स्क्वायर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हूज टर्म्स आर गिवन बिलो. ए कॉमा माइनस थ्री बी कॉमा फोर सी. अब इसमें आपने क्या करना है, कॉमा हटा के साइन लगाने. ए माइनस थ्री बी वैल्यू नेगेटिव है आपके पास, एज इट इज आ गई माइनस थ्री बी. यहाँ पे आपके पास कोई साइन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो प्लस का 4c. पार्ट टू में माइनस फाइव ए बी सी कॉमा हटाया आपने, यहाँ पे माइनस आ गया क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, 7 बी सी डी एज इट इज. यहाँ कोई साइन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस आ गया 3 ए बी डी. नाउ पार्ट थ्री, थ्री यू कॉमा माइनस वन अपॉन टू जी टी. थ्री यू कॉमा हटाया आपने, नेगेटिव वैल्यू है माइनस वन अपॉन टू जी टी. नाउ क्लास 6, आपने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 अपनी नोटबुक में इसी तरीके से सॉल्व करना है.